नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में अचानक मौसम ने करवट बदली और तेज हवा के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे तक जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में बारिश होती रहेगी। कहीं गरज के साथ छींटे पड़ेंगे तो कहीं मूसलाधार बारिश होगी। वैसे बंगाल की खाड़ी में हवा के निम्न दबाव के कारण मौसम में परिवर्तन हुआ है। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि बारिश खत्म होने के बाद ठंड बढ़ेगी और तापमान में अचानक गिरावट आएगी। वहीं सुबह से ही हो रही लगातार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रोजमर्रा के काम पर निकलने वाले लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं। आज झारखंड में माओवादियों के द्वारा बुलाए गए आहूतबंदी का असर जमशेदपुर में नहीं देखा गया। आपको बता दें कि आज यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर माओवादियों के बिहार रीजनल कमेटी ने आज झारखंड, बिहार, यूपी और उत्तरी छत्तीसगढ़ में बंदी बुलाया है। बंदी का असर जमशेदपुर में कम देखा गया। सामान्य दिनों की तरह बस स्टैंड से बसों को परिचालन होता रहा। लंबी दूरी के बसों के लिए अपने समय पर टिकट काउंटर खुले रहे। लोग टिकट कटाकर सफर करते नजर आए। स्टैंड के संचालक और बसों के ड्राइवर ने कहा कि बंदी का असर झारखंड में नहीं है। जमशेदपुर से रांची, धनबाद, बोकारो समेत अन्य जगहों पर बसों का परिचालन सामान्य दिनों की तरह चल रहा है। इसके अलावा दूसरे राज्यों के लिए भी बसें अपने समय अनुसार चली, लेकिन हमारे बस पड़ाव में कोई ऐसा प्रभाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए कि बस स्टैंड में माओवादी बंदी पिछले एक साल दो साल से उतना हम लोग को कम्युनिकेशन भी नहीं होता है। हम लोग कोई उधर नज़रअंदाज करके ही चलते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। नित्य दिन जैसे बस जाती है वैसे ही बस जा रही है। इस माओवादी बंदी पेपर न्यूज इस में सुना जाता है, लेकिन बसों का कोई प्रभाव नहीं है, यहाँ कुछ असर नहीं है। यहाँ बहुत शांति है, बहुत अच्छे से है, सब गाड़ी सब चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्रशासन हम लोग का साथ है। यहाँ के मुख्यमंत्री अपने हेमंत सोरेन जी है, वो भी बहुत सही है, सब टाइट करके रखे हुए हैं। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी उड़ी चलाने में। सरायकेला खरसवा जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन शहर से लेकर गांव तक बॉक्सिंग के क्षेत्र में प्रतिभाओं को तलाशने का काम करेगी, ताकि प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान हो सके। इसके अलावा एसोसिएशन द्वारा बॉक्सिंग के साथ साथ अन्य खेल से जुड़े खिलाड़ियों को भी मंच प्रदान कराया जाएगा। यह निर्णय रविवार को जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित वार्षिक आम सभा के दौरान लिया गया। सरायकेला जिले के आदिपुर में रविवार को जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष आर के सिन्हा द्वारा की गई। इस मौके पर मौजूद एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्यों ने बॉक्सिंग के साथ साथ अन्य खेलकूद से जुड़े खिलाड़ियों को भी तलाशने और उन्हें मौका प्रदान किए जाने संबंधित निर्णय लिए गए हैं। बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष आर के सिन्हा ने बताया कि एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में एसोसिएशन द्वारा लगातार बॉक्सिंग समेत अन्य खेलकूद को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संरक्षक और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा जिले में बॉक्सिंग के साथ साथ तीरंदाजी और हॉकी खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। लेकिन कोविड के कारण नहीं हो चुका और इस बार जो हमने बनाया उसमें कुछ डायरेक्शन लेकर एक कमिटमेंट के साथ बनाया है कि इस डिस्ट्रिक्ट से हमें कुछ बॉक्सर पैदा करना है, मतलब टैलेंट सर्च करना है और उसको सेव देना है। वो हमारे कंट्री को हमने कम से कम उसको वहाँ तक पहुँचाना है कि नेशनल स्टेटस तक पहुँचे और इंटरनेशनल स्टेटस। ऐसा भारत सरकार का सोचना है। ये वो जिला है जहाँ से बॉक्सर, खास करके वुमेन बॉक्सर मिलेगी, तो उनका भी ध्यान हमारे कुछ जैसे हर एक चीज़ों को लिए उन्होंने बनाया हुआ है कि इस डिस्ट्रिक्ट से इस तरह की संभावनाएं ज़्यादा है। धनबाद में पेट्रोल ने लगाया सतर्क स्थानीय लोगों का अनोखा विरोध। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर हाथ में बल्ला और मिठाई लेकर किया विरोध। प्रधानमंत्री और धनबाद सांसद के साथ साथ विपक्षी पार्टी के नेताओं के तस्वीर हाथ में लेकर किया विरोध। पेट्रोल डीजल के दाम कम करने का किया मांग। महंगाई हाई होते जा रहा है। एक वर्कर का पेमेंट कितना है तो 5,000 6,000 घर चलेगा। सरकार तो अभी कोई प्राइवेट कंपनी चाहिए नौकरी लेने, कोई भी आउटसोर्सिंग हो तो 40,000 रुपया घुस दीजिए तो आपको हेल्प में नौकरी मिल जाती है, मिलेगा 10,000 रुपया। फेमस है 40,000 रुपया देने के लिए, हम रहते हैं सरकार के लिए। एक हम लोग आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। सरकार यहाँ से उसको ध्यान दे, अन्यथा हम लोग मजबूरी बस हम लोग लड्डू बांट रहे हैं। आज हम लोग जितना से अगर सरकार ऐसा समझ दे कि शतक पूरा होने से खुशी का माहौल है तो बिल्कुल हम लोग उसी को विरोध स्वरूप आज हम लोग उसको उत्सव मना रहे हैं। शतक पूरा होने पर उत्सव मना रहे हैं। गल्ले वल्ले लेकर के हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पे लड्डू भी हम लोग खिलाया जा रहा है।
शहीद मनीन्द्रनाथ मंडल का 27वां शहादत दिवस मनाया गया, जिसमें उनकी पत्नी रेखा मंडल सहित झारखंड के पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक, निरसा के पूर्व विधायक अरूप चैटर्जी, कांग्रेस का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो तथा बियाडा के पूर्व अध्यक्ष विजय झा, कंसारी मंडल, डोरा मंडल, खेदन महतो समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शहीद मनीन्द्रनाथ मंडल को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज शहादत दिवस में सुबह सरायडेला क्षेत्र में प्रभात फेरी निकाली गई, झारखंड के लोक नृत्य प्रस्तुत किए गए, शहीद वेदी पर आमजन एवं अतिथियों द्वारा माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात आम सभा को अतिथियों द्वारा संबोधित किया गया। आम सभा में ही कोरोना काल में फ्रंट वॉरियर्स के रूप में डॉक्टर यूके ओझा, डॉक्टर अशोक मंडल, डॉक्टर विकास शाना, डॉक्टर मासूम को भी सम्मानित किया गया। पत्रकार नारायण चंद्र मंडल को भी सम्मानित किया गया। शिक्षा, सांस्कृतिक एवं कला के क्षेत्र में प्रतिभाशाली छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के समापन में धन्यवाद ज्ञापन कंसारी मंडल द्वारा दिया गया। अभी भी झारखंड की धरती में अधूरा है मेरे पतिदेव का एक सपना था, झारखंड एक ऐसा राज्य बने जिसमें शोषण मुक्त हो, दलित पीड़ित का उत्थान हो, किसान मजदूरों को न्याय मिले, लेकिन अभी तक वो सपना पूरा नहीं हुआ। तो आइए आज हम लोग सब कोई मिलकर संकल्प लेते हैं इस शहादत दिवस पर दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर सभी वर्गों के लोग एकजुट होकर हम झारखंड को शोषण मुक्त बनाएं, झारखंड को दलित पीड़ित को उत्थान करें, झारखंड का किसान मजदूरों को न्याय दे, यही हमारे शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। JSR Always introducing One Way Ride, reliable, comfortable, safe, secure, reasonable, quality service at your doorstep. JSR on Wheels introducing One Way Rides, you can book from anywhere. JSR on Wheels के साथ जुड़कर अपने सफर को सुहाना बनाएं और सफर का आनंद उठाएं, क्योंकि हम अपने कस्टमर्स की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखते हैं। आज ही अपनी राइड्स बुक करें JSR on Wheels के एप्लीकेशन के माध्यम से और अपने सफर को आसान बनाएं। सिटीज अवेलेबल फॉर राइड्स आर जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, रांची, कोलकाता, पटना। Just book your ride and we'll provide quality service at your doorstep. Zindagi ek safar hai suhana, JSR on Wheels pe hi chalna. टाटानगर आरपीएफ बैरक में सीकेपी डिवीजन के अंतर्गत ओडिशा के बांसवानी स्टेशन में तैनात जवान शमशेर सिंह की मौत के बाद गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मंडल रेल सुरक्षा आयुक्त समेत आरपीएफ के पदाधिकारियों व जवानों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बीते मंगलवार को ओडिशा स्थित बांसवानी स्टेशन के पास स्थानीय ग्रामीण को मूर्छित अवस्था में आरपीएफ के जवानों ने देखा और इसकी जानकारी स्थानीय ग्रामीणों को दी, जहां स्थानीय ग्रामीण उसे अपने साथ लेकर चले गए और कुछ ही देर बाद 150 से 200 की संख्या में ग्रामीणों ने बांसवानी स्टेशन में हमला कर दिया। स्टेशन को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त करते हुए आरपीएफ बैरक में भी हमला कर दिया, जिसमें 4 जवान और 1 सब इंस्पेक्टर घायल हो गए। प्रारंभिक उपचार के लिए सभी घायल जवानों को पहले जोड़ा में भर्ती कराया गया, उसके बाद स्थिति गंभीर होने पर 3 जवानों को टाटा मुख्य अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं इलाज के दौरान जवान शमशेर सिंह की मौत हो गई। इधर मौत के बाद सर्वप्रथम टाटानगर आरपीएफ बैरक में जवान के पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जहां विभाग द्वारा जवान के परिजनों को 30,000 नगद सहायता प्रदान करते हुए उनके पार्थिव शरीर को सम्मान के साथ उनके पैतृक आवास मुंगेर रवाना कर दिया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए टाटानगर आरपीएफ ओसी ने बताया कि विभाग स्तर वहां शाम के 6:30 बजे के लगभग एक आदमी को स्टेशन पर गिरे हुए हालत में हमारे आरपीएफ स्टाफ ने देखा और उसके जान पहचान वाले को खबर किया कि आपका आदमी ऐसा गिरा हुआ है, आप इसको लेके जाइए। वो लोग आके अपने आदमी को लेके गए और कुछ देर के बाद करीब 150-200 आदमियों का समूह स्टेशन पर अचानक हमला किया और पूरे स्टेशन को तहस नहस कर दिया और उसके बाद वो लोग आरपीएफ बैरक में हमला किए और वहाँ हमारे 5 सब इंस्पेक्टर, 1 और 4 स्टाफ थे, उनके को भी मारपीट किए। उस मारपीट के दौरान एक स्टाफ हमारा शमशेर सिंह, जो कि आरपीएफ पोस्ट बांसवानी में तैनात था, उसको गहरी चोट लगी और रात में ही पहले जोड़ा टाटा हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के बाद उसको टीएमएच रेफर किया गया था और 13 तारीख से ही वो अपने अन्य 2 साथियों के साथ टीएमएच में भर्ती था। इलाज के दौरान
उसके दो साथी तो हॉस्पिटल से बरी हो गए, लेकिन उसकी आज सुबह 5:10 पर मौत हो गई। इसके संबंध में जितने भी डिपार्टमेंट में ऑन ड्यूटी स्टाफ में हो या वो मिलता है वो सब उसको प्रदान की जाएगी। अभी तुरंत के लिए फौरी सहायता के रूप में 20,000 रुपये रेलवे सुरक्षा कल्याण निधि के तरफ से दिया जाता है और 10,000 रुपये रेलवे की तरफ से फ्यूनरल के लिए। ये 30,000 रुपये ऑन द स्पॉट अभी हम तुरंत उनके हाथ में दे देंगे। जहां एक तरफ डीजल और पेट्रोल की कीमतों में आम जनता की जेब ढीली करती है, वहीं दूसरी ओर जब सब्जियों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। वैसे देखा जाए तो हर वर्ष नवरात्र के बाद सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी हो जाती है, लेकिन इस बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेताशा वृद्धि के कारण सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही है। बाजार में आलू जहां 20 रुपए किलो है, वहीं प्याज 50 रुपए प्रति किलो है। वैसे हरी सब्जियों की अगर बात करें तो इनकी कीमत 40 रुपए किलो से शुरू होकर 80 रुपए से 90 रुपए किलो तक बिक रहे हैं। वैसे बाजार के मंडी व्यापारियों के अनुसार भी पेट्रोलियम पदार्थों के में बेताशा वृद्धि के कारण ही सब्जियों की कीमत बेताशा वृद्धि हुई है। इस वर्ष थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसलिए कि आप देखिए पेट्रोल और डीजल का दाम भी बढ़ गया। ट्रांसपोर्टिंग पे जहाँ असर पड़ेगा उस जगह पे समझिए सब्जी का दाम या राशन का दाम या कोई भी चीज़ का ट्रांसपोर्टिंग पे निर्भर है। ट्रांसपोर्टिंग पे जहाँ कुछ भी होगा तो समझिए सब कुछ महंगा होगा। तो अभी कितना लग रहा है महंगा है? अभी क्या है कि देखिए पहले कैसे बिक्री होगा दुकान, पहले जो 1,00,000 रुपये भाड़ा लगता था अभी 1,30,000-1,35,000 भाड़ा लगता है, उसको देखिए तो 2-3 रुपये किलो बढ़ गया। तो अभी क्या है कि और पानी का वजह से भी, जैसे कभी कभी क्या होता है कि धूप पानी में क्या होता है कि फसल मरता है, फसल मरने के चलते में जो कि है तो थोड़ा सब्जी जहाँ पानी लगेगा सब्जी में वहाँ सब्जी खराब हो गई, इसीलिए थोड़ा सा आवक भी कम है और आवक कम होने के चक्कर में थोड़ा सा दाम जाता है। 40 रुपया कैसे लेगा? और क्या क्या है? बैगन लिया 40 रुपया कैसे बचेगा? बीम लिया, सूटी सीम लिया 30 रुपया कैसे बचेगा? 40, 50, 60, 80 कैसे व्यापारी लोग कैसे लेते कैसे बचेगा? हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है। जमशेदपुर में आगामी 1 नवंबर को माइकल जॉन सभागार में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के मंत्री रामेश्वर उरांव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा यह सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 500 से ऊपर शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि झारखंड राज्य के गठन के बाद पहली बार जमशेदपुर में इस तरह के सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जिस तरह से शिक्षकों ने छात्रों को शिक्षित करने हेतु कम वेतन या बिना वेतन लिए भी अपने दायित्व को बखूबी निभाया और वे भी कोरोना योद्धा है और उन्हें सम्मान मिलना चाहिए और इसी उद्देश्य को लेकर इस सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। वहीं विद्यालयों के विलयन बंद हो चुके विद्यालय और उनसे उत्पन्न हुए समस्याओं को भी लेकर यहाँ चर्चा की जाएगी। 500 से अधिक शिक्षकों को हम लोग उस दिन सम्मानित करने जा रहे हैं। सम्मान समारोह में भाग लेने के लिए झारखंड सरकार के वित्त मंत्री आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी और पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समायल अहमद जी मौजूद हैं। साथ ही साथ कुछ प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष भी सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। प्राइवेट स्कूल्स के जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों को हम सम्मानित करेंगे और अब तक का जमशेदपुर का ये सबसे बड़ा शिक्षक सम्मान समारोह होगा। सिटी एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट एडमिशन ओपन फॉर डिप्लोमा इन एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी। आवर कॉन्टैक्ट नंबर 7903302477।